Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel that is Helping Hand in English by Shivani Nagar. So, आज हम सीखेंगे also, to, either, even, as well. ये बहुत ज़्यादा confusing है, कहाँ पर हम also use करें, कहाँ to use करें, कहाँ either use करें, कहाँ even और as well कहाँ पर use होती है. So, आज इस हम confusion को दूर करेंगे. और आई होप एंड आई डैम श्योर एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो ऑल्सो टू इधर इवन एज वेल कहाँ यूज़ करना है ये सारा आज कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी. बट एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को. सो ऑल्सो का मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है, इधर का भी, इवन भी और एज वेल भी. सो ऑल्सो का मतलब भी, हम भी खुश हैं, वी आर ऑल्सो हैप्पी. चलो ऑल्सो का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है वर्ब के पहले और बाद में. मतलब जो ऑल्सो होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता यूज़. और हमेशा जो मतलब जो ये ऑल्सो है वर्ब के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है. ठीक है, ओके. सेकेंड वन इज टू. टू का मतलब भी होता है, हम भी खुश हैं, वी आर हैप्पी टू. सो यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस के आखिर में आता है. लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, इसका इसमें क्या डिफरेंस है कि जो टू होता है, टू का मतलब भी होता है, बट जो ये टू है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है, जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है. जैसे हम भी खुश हैं, वी आर हैप्पी टू, वी आर गोइंग टू, शी इज़ ईटिंग टू, तो दैट टू विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एंड थर्ड एज़ वेल. एज़ वेल का मतलब भी होता है, हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, हम भी खुश हैं, हम भी स्कूल में हैं, हम भी स्कूल जाते हैं, हम भी अंग्रेजी सीखते हैं, हम भी इंग्लिश में बात करते हैं. सो वी आर गुड एज वेल. तो ये कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, जो वाक्य के अंत में होता है और वाक्य के अंत में यूज़ होता है. ये एज वेल हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा. ओके, फोर्थ ईधर. इसमें इसका एकदम उल्टा हो गया है. इधर मतलब होता है भी, बट ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है. मैं भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड ईधर, शी इज़ नॉट ईटिंग ईधर, शी इज़ नॉट रीडिंग द बुक ईधर. यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ये लास्ट में आता है सेंटेंस के. ओके, फिफ्थ वन भी. इवन का मतलब भी होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, इधर भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, बट डिफरेंस इज़ ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होता है और जो इवन है ये एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होता है, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ होता है. जैसे मुझे भी नहीं पता है तो हमने स्टार्टिंग में लगा दिया इवन आई डोंट नो. Even I don't know. Even she does not know. Even she does not read the newspaper daily. So I hope आज आपका ये also to either ये आज आपका confusion दूर हो चुकी होगी. So आप मुझे to as well either से कुछ sentence बना के दिखाओ in the comment section. Then I will check there. Thank you for watching my video.